हेलो गाइस, आप आए हैं कुकिंग विद वंदना में और आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन फिश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें फिश की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फिश में नमक ऐड करना है और रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले वो मछली में अच्छे से चिपक जाए, और दो लेमन का जूस डालेंगे अच्छे से। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हम इसको हाथों से अच्छे से मछली में मिला देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और मैरिनेटेड जो फिश थी उसको फ्राई करेंगे अच्छे से। हम सारी फिश को फ्राई कर लेंगे तेल में, और तेल अच्छा गरम होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, हो सके तो शेयर भी कीजिए। एक तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं जब तक हमारी फिश फ्राई होगी। हमने राई और जीरा ऐड कर दिया और इसको पीस लिया, और एक साइड हम इसका पेस्ट बनाएंगे जो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमें फिश में ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, हमने अपनी पूरी फिश को फ्राई कर लिया है। अब हम उसी तेल में थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे, और जो अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे, और इसको भूनेंगे अच्छे से जब तक ये तेल ना छोड़ दे अपना। और इसी वक्त हम नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो जल्दी भुने। और हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिला लें और ढककर इसको अच्छे से भूनें और जब तक मसाला ना भुने। ये देखिए, हमारा अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अच्छे से मिला लें। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम इसमें तीखा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, और जो मस्टर्ड और क्यूमिन सीड का जो पाउडर हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुने, जले ना। इसको थोड़ी देर हम अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले ने तेल छोड़ चुका है, मतलब हमारे मसाला अच्छे से भुन गया। अच्छे से मिला लें। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और करी लीव्स डालेंगे, ये देखिए। और टमाटर थोड़े खट्टे हों तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम इसमें इमली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमली मेरे पास है नहीं। अगर आपके पास हो तो आप टमाटर नहीं ऐड करें, बाद में इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे नॉर्मल पानी ऐड करने की वजह। ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें कोकोनट डालेंगे, कोकोनट जो नारियल का जो भूरा होता है ना वो ऐड करेंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिला लें और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही चला लें, मिला लें अच्छे से। और ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। साउथ इंडियन करी में कोकोनट का उपयोग बहुत होता है, आपको तो पता ही होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। और हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास इमली हो तो इमली को पानी में अच्छे से मिक्स करके उसका पानी ऐड करें, नॉर्मल पानी ऐड करने के वजह, तब आप टमाटर ना ऐड करें। और ये देखिए, हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है, और हम इसमें जो तली हुई मछली थी वो ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करें, और ताकि हमारा
जो ग्रेवी है वो उबाल बना रहे हमारे ग्रेवी में, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि हमारा फिश ना टूटे। अगर आपके पास इमली हो तो ज़रूर उसका उपयोग करें, तब ये टिपिकल साउथ इंडियन फिश करी बन जाएगी। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने नहीं डाला, आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें। ये देखिए हमारा फिश करी रेडी है, अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, अभी खाने के लिए एकदम तैयार है। आप चाहे तो इसको राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ, मगर ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी फिश करी बन के एकदम तैयार है, ग्रेवी ने तेल छोड़ चुका है। ये देखिए हमारा फिश करी बन चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप भी बनाएं, और जो भी कैसी बनी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए आप ऐसे लाइक करें, और जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन आता है उसको हिट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।